सुशासन बाबू की सरकार है, उनका दावा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जहां अभी सूबे में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, बिहार की महिलाएं भी सभी क्षेत्र में आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन भागलपुर जिले की जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक दिव्यांग महिला अपनी व्यथा सुनाते हुए बताई कि अस्पताल व्यवस्था से इलाज की भीख मांग रही है, लेकिन यहाँ सबको दर दर भटकना पड़ रहा है। गरीबी और शारीरिक रूप से असक्षम होने के कारण जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए जाती है, लेकिन पैसा उनके पास नहीं होने के कारण बिना इलाज कर लौटना पड़ता है। अस्पताल की व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अस्पताल के गेट के अंदर घुसने के बाद जगह जगह पीड़िता को नजराना की मांग की जा रही है। जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग की दशा और दिशा बदलने में लगे रहते हैं, दूसरी तरफ उनके ही विभाग के अधिकारियों और कर्मियों पर कोई खासा असर नहीं दिखता है। पीड़िता रूबी देवी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर 1 रुपए की जगह 5 रुपए लिया जाता है। दूसरी तरफ प्रसव कक्ष में बिना 1,000 रुपए लिए बिना हाथ तक नहीं लगाई जाती है। कहता है कि मायागंज अस्पताल रेफर कर देंगे प्रसव के बाद फोटो खिंचवाने में तो 30 रुपए का फीस है। अमूमन मानो तो सभी कार्य यहाँ फीस पर निर्धारित है। मानो इस प्रकार अस्पताल की फीस प्राइवेट अस्पताल जैसी है, इलाज सरकारी अस्पताल जैसा। यहाँ मरीजों का लगातार सरकारी हॉस्पिटल में आर्थिक शोषण होने की बात पीड़ित महिला रूबी देवी पति नीतीश कुमार और सोनी देवी ग्राम तगोपुर वासी अपनी जुबानी बताती हैं कि यहाँ बिना पैसे के लिए तो मरीज का नब्ज तक नहीं पकड़ते हैं। जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी बीबी मंडल से इस बात की जानकारी ली तो वह इस बात से अनभिज्ञ होने की बात कही। कहा, अगर मरीज लिखित शिकायत करती हैं, आवेदन के आलोक में जांच कर दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की पदाधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। चार दिन लगे गए, चार दिन में घुमा दिया, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, नहीं लेके जाओ जब मैडम से बात करा, पानी तो कम से कम चढ़ा, सुई तो कम से कम लगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ नहीं है। सब 4 दिन से घुराते रहा, उसके बाद फिर लेके गए। मतलब पेशेंट को पैसा के चलते सीरियस कर दिया, सीरियस कर दिया मेरी बेटी को। जब तक नहीं पैसा देते तब तक कोई काम नहीं, काम नहीं होता है, बच्चे का कोई काम नहीं। जो कि आप अपना पहचान भी नहीं दिखाए। हम पहचान नहीं दिखाते, इसलिए ऐसे किया। हम पहचान नहीं दिखाते। आपका नाम क्या हुआ? रविशा खातून। घर कहाँ हुआ? पुरानी। पति क्या करता है आपका? मेरा पति का दुकान है, 100 रुपए दीजिए तब जो हम पत्री देंगे। रिचार्ज पेपर नहीं देती है वहाँ मैडम, जब तक 500 रुपए नहीं दोगे तो रिचार्ज पेपर नहीं देंगे। जाओ जिसको बोलना बुला लो। सुई देने का कितना लेता? 30 रुपया। और सुई खरीद के लाता उसका कितना लेता? उसका कहाँ से वह पैसा लेती है, वहाँ से मंगा लेती, 200 रुपए लेती, कितना लेती? 200 रुपए उसका भी लेती, उसका भी लेती है। पैसा लेती है कल से लाओ ना, पैसा मंगा देते मेडिकल से। पैसा लेके क्या करती है? नहीं करती, आप राशि देती है कि मेडिकल से मंगाती है। दवाई का भी सुविधा? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, टोटल पैसे पे है। हम की बोले लेंगे, हम थोड़े पैसा ले छे, केकरो से नहीं ले छे पैसा, टोटल आदमी से लेता है। नहीं लेता था उसका पर्सन छुपे नहीं करता था। नहीं लेता पर्सन छोड़ नहीं छूता है। अच्छा, आपके साथ वहाँ पे अंदर में कितने पेशेंट होगा? कम से कम सब बेड भरा हुआ था। छह, बारह, अठारह पेशेंट सबसे पैसा लिया होगा पर डे, यानी कि हर पेशेंट से पैसा रोज लेता ना होगा मेरा से ले लिया, उस लोग का छोड़ दिया होगा क्या? चलिए, आपके साथ क्या हुआ था अस्पताल में? मेरे साथ हुआ कि मेरा जब लड़का हुआ तो मेरे को बहुत परेशानी होने लगी। होने से पहले बताइए। होने से पहले मैं जब भी जाती हूँ हॉस्पिटल, हमको किसी से सुविधा नहीं मिलता है, लाइन में खड़े रहो चिट्ठा कटाने के लिए। नर्स से क्या परेशानी होती है? नर्स से अगर किसी से हम बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करना चाहती है, डांट के बात करती है, डांट के बात करती है। हम बोलते हैं कि देखिए हम विकलांग हैं, मेरा कुछ करिए, चल जा यहाँ से, जाओ आ जाती है जहाँ से तहाँ से, उठ के चली आती है। हाँ, बस पैसे का सवाल, पैसा है दो काम करा देते हैं, पैसा है दो काम करते हैं। हम कहाँ से, गरीब आदमी विकलांग आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? हर वक्त पैसे का सवाल करती है। क्या बार घुमाई? बहुत बार घुमाई है। लास्ट पोजीशन कर देती है, पैसा लास्ट पोजीशन। हाँ,
अभी ऑपरेशन भी कराए, फिर उसके जाके पोजीशन अपना बताए कि मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ करिए तो डॉक्टर से बात करिए। टोटल पैसा कितना खर्च होता है वहाँ? बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, 3-4 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है वहाँ। उसको दो, 200 उसको दो, 200 उसको दो, यही सब होता है वहाँ। वहाँ शिकायत किए थे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब बोलते डॉक्टर साहब भी क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। चेकिंग में आएगा तो पैसा का मत मत बात नहीं करना, ऐसे बोलता है। क्या बोला? अगर चेकिंग में आएगा तो पैसे के बारे में पूछेगा, अगर बताएगी तो बताएगी। ये बोल रहे हैं सर, जगदीशपुर पीएससी प्रभारी आप ही ना हैं? जी जी। तो वहाँ जो भी डिलीवरी होता है जी, उन लोगों से सर पैसा किस चीज का लिया जाता है? नहीं लिया जाता है सर। नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता है, हमको तो यही जानकारी है। नहीं, पब्लिक लोग जो भी पेशेंट हो गई हैं उनके साथ तो लिया गया है, वो बोल रही है। जब तक हमको सर लिखित नहीं आएगा तो हम किस पर कौन एक्शन है, किस पर किस नहीं, आप तो लगा सर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा ना आपका? हाँ, लेबर रूम में सीसीटीवी कैमरा? लेबर रूम में नहीं, पैसा लेबर रूम में थोड़ी वसूली होती होगी सर, काउंटर पे होता होगा जहाँ पे आपका। नहीं है सर, वहाँ नहीं है। नहीं नहीं, महिला वार्ड में नहीं लगता है सीसीटीवी। मतलब आपको जानकारी नहीं है, यही ना आपका कहना है? जी जी। लिखित जब तक नहीं आएगा सर कहीं से, कोई भी मरीज या परिजन कोई नहीं देगा लिखित, तब तक कैसे हम कोई बात को बोल नहीं। महिला लोग तो बताए कि हाँ, प्रभारी सर हो सकता है बोले वहाँ पे डॉक्टर वगैरह जो भी। नहीं नहीं नहीं, गलत बोला कोई, हमको लिखित तो मांग रहे हैं कि हमको लिखित चाहिए ना, कहीं से कोई आएगा तब ना हम किसी के अगेंस्ट में एक्शन रिएक्शन करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आप हम ही को कोई आवेदन जब तक नहीं आएगा तब तक हम उस पर कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, कोई भी लिखित में आवेदन आपको नहीं दिया है ना? जी जी। आवेदन देगा तो उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल कार्रवाई जी। ठीक रोहित, चूंकि आपका पक्ष लेना जरूरी था ना। जी जी जी, चलिए ठीक है सर। उधर सर साफ सफाई हो गया, वो डेंगू वाला जो पीछे था साफ सब, वो सबको तो हम लोग डेंगू वाला नहीं है भाई, गंदा पानी में थोड़े रहता है गंदा पानी। सुनिए सुनिए सुनिए, वो क्या है ना कि ये ड्रेनेज जो था ना, ड्रेनेज जाम हो गया। अच्छा, तो जाम अच्छा, हो गया तो उसको जो है ना, तो बारिश में तो होगा नहीं, और जब तक सूखेगा नहीं तब तक उसको फिर साफ हो करके फिर कोरना होगा। हम लोग क्या किए, उसको अथी मंगा करके नगर निगम से निकलवा तो दिए है, लेकिन ये बारिश जो हो रहा था फिर जाम हो जाएगा पानी। इसका मतलब नाला जाम होगा कहीं क्या? हाँ हाँ, वो नगर निगम में आता है वहाँ तक? नहीं नहीं, नगर निगम नहीं, वो नगर निगम अथी नहीं आता है, अथी निकालने वाला। अच्छा, हाँ, हाँ, मशीन। हाँ, वो मशीन आता है। हाँ, हाँ, उसको मंगा करके साफ कराए थे उसको। जो करना है वो तो करते रहते, हम लोग क्या बोले। चलिए ठीक है सर। ठीक ठीक।